हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ चिन्मयी और मैं यहाँ पे मेरा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट कर चुकी हूँ। और हमारे घर का जो मेड है वो उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, मतलब सर्दी वगैरह हो गया है तो वो अभी नहीं आ रही है, तो मुझे ही फ़िलहाल अभी घर का सारे काम करना पड़ता है। और सुबह सुबह देखिए आज बहुत अच्छा धूप निकली है और यहाँ पे मैं झाड़ू कर दूंगी, उसके बाद थोड़ा सा चाय वगैरह पीऊंगी और बर्तन थोड़ा बहुत है मैं रात को धो लेती हूँ, बस थोड़ा बहुत बर्तन है वो भी कर लूंगी। और सुबह सुबह घर थोड़ा मेसी दिख रहा होगा तो प्लीज इग्नोर कर दीजिएगा। और अभी लॉकडाउन की वजह से हम लोग मॉल वगैरह नहीं जाते हैं और यहाँ पे जो भी लोकल बिस्किट वगैरह जो भी मिलता है यहाँ पे लेके आते, तो हस्बैंड सुबह बाहर गए थे तो थोड़ा बहुत कुछ बिस्किट्स ब्रेड्स वगैरह लेके आए थे और कुछ ऐसे खड़े मसाला वो ख़त्म हो गया था, जैसे दालचीनी लौंग इलायची ये सब ख़त्म हो गया था, ब्लैक पेपर वगैरह, तो वो सारे चीज़ लेके आए थे। तो सारे जो खड़े मसाला होता है मैं एक ही डब्बा पे खुल के सारी चीज़ें को रखती हूँ ताकि मुझे आसानी होता है, जब भी मुझे ढूंढना पड़ता है अच्छा लगता है मैं वहीं से ही ले लेती हूँ। और जो ब्लैक पेपर है वो अलग से मैं रखती हूँ ताकि मुझे जो चाय बनाने के टाइम थोड़ा सा ईजी लगता है ढूंढने में। और यहाँ पे देखिए बहुत सारे दूध पैकेट भी एक साथ हम लोग लेके आ जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें उसमें लेके आए थे। तो मैं दूध पैकेट जो है वो साफ़ करके अभी थोड़ा सा छन्नी में रख दूंगी, थोड़ा सा पानी निकलने के बाद मैं अच्छी तरह से फ्रीज में साइज करके रख दूंगी। और फिलहाल अभी मैं जाती हूँ चाय बनाने के लिए। और यहाँ पे चाय के साथ हम लोग थोड़ा बहुत मैं रात को जो बना हुआ रोटी में रखती हूँ ताकि हम लोग सुबह उसको थोड़ा सा ऑयल लगा के मैं सेक देती हूँ, उसके बाद हम लोग चाय के साथ रोटी के साथ एंड थोड़ा सा बिस्किट ले लेते हैं सुबह सुबह ताकि थोड़ा सा एनर्जी मिले और घर के काम में हम लोग लग जाते हैं। अगर आप सुबह सुबह ही सारे काम ख़त्म करने की कोशिश करोगे ना, आपको आफ्टरनून तक आपका सारे घर का काम ख़त्म हो जाता है, आपको थोड़ा सा थोड़ा क्या बहुत रिलैक्स मिलता है और ऐसा लगता है कि हाँ हम सब काम ख़त्म कर चुके हैं अभी थोड़ा सा रिलैक्स करें। अगर सुबह से ही आप मतलब आलसी फील करेंगे और लेजी फील करके कोई काम नहीं करेंगे तो आपका सारे काम मतलब डिले होता जाएगा और आपको इरिटेटिंग फील होता जाएगा। तो कोशिश करें कि सुबह सुबह ही सारे काम निपटाती जाए टाइम बाय टाइम, तो अच्छा रहता है खास करके विंटर में। और आपने देख लिया होगा कि मैं ब्रेकफास्ट में सेमिया के उपमा बनाई थी और यहाँ पे हम हस्बैंड मटन लेके आए थे तो मटन साफ़ करके वो रख दिए हैं और मटन का ड्यूटी उनका ही है। तो बस आपके साथ बात करते करते हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो भी बन गया था। और जब भी मटन लेके आते ना घर पे तो हस्बैंड ही बनाते हैं क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि मटन मेरे से नहीं अच्छा बनता है तो इसीलिए हस्बैंड ही हमेशा बनाते हैं। और यहाँ पे मटन के साथ जो साइड डिश बनेगा वो मैं बना लेती हूँ, जैसे राइस दाल वगैरह और बैंगन का भरता मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं बैंगन को अच्छी तरह से बन कर रही हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये मैं सारी चीज़ें जो साइड डिश है वो फटाफट मैं बना लेती हूँ, उसके बाद हस्बैंड बनाएंगे मटन करी और वो बहुत अच्छी तरह से बहुत टाइम लेके वो बनाते हैं मटन करी। और विंटर में खास करके देखेंगे आप जितना आप लेजी फील करोगी, जितना आप काम नहीं करोगी उतना ही आपको ठंड लगता जाएगा। जब से आप काम करना शुरू कर दोगे आप देखेंगे आपको इतना ठंडा नहीं लगेगा और अच्छा भी फील होगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा बैंगन अच्छी तरह से पक चुका है तो मैं थोड़ा सा ठंडा होने के लिए इसे पानी में रख देती हूँ। बस अभी मैं एक प्लेट में निकाल दूंगी और उसका जो छिलका है वो निकाल दूंगी अभी। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं बैंगन को अच्छी तरह से काट के देख रही हूँ कि कायाकास कीड़ा वगैरह नहीं है। तो बस अभी मैं मैश कर दूंगी अच्छी तरह से, अभी मैं तड़का लगाऊंगी।
कच्चा जैसे बैंगन को ऐसे बर्न करने के बाद आप ऐसे कच्चा प्याज डाल के भी, कच्चा सरसों का तेल डाल के भी आप बना सकते हैं, बट इस टाइप का अच्छा नहीं लगता है हम लोग को थोड़ा सा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ले लिया था, उसके बाद थोड़ा सा मैंने जीरा भून लिया था, उसके बाद देखिए मैंने थोड़ा सा प्याज ऐड किया और ग्रीन चिली ऐड किया था, उसके बाद थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी बस थोड़ी देर पकने के बाद। अभी मैं टमाटर ऐड करूंगी बस, और ऊपर से थोड़ा सा मैं टर्मरिक पाउडर ऐड करूंगी थोड़ा सा कलर लाने के लिए बस। उसके बाद थोड़ा सा भूनने के बाद मैश क्या होता है जो बैंगन है वो मैं ऐड कर दूंगी बस। अच्छी तरह से मिलाने के बाद थोड़ा सा मैंने कोरिएंडर लीव्स ऐड करूंगी बस। ये बन के रेडी हो जाएगा यम्मी सा बैंगन का भरता, बहुत ही अच्छा लगता है विंटर में तो बहुत ही अच्छा लगता है। भत्ता बनने के बाद ना मैं ऊपर से थोड़ा सा कच्चा सरसों का ऑयल ऐड किया था, उसके बाद देखिए मैं गर्मा गर्म सर्व कर लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी बना था गाइस, जरूर ट्राई कीजिएगा इस टाइप का। यहाँ पे देखिए कोई भी मसाला वगैरह हम लोग नहीं ऐड किया है, फिर भी बहुत ही टेस्टी बनता है। और साइड बाय साइड हस्बैंड मटन की तैयारी कर रहे हैं, और पहले से ही वो मटन को मैरिनेट करके अच्छी तरह से रखे थे, तो अभी वो स्टार्ट करेंगे मटन करी बनाना। और यहाँ पे देखिए मटन करी के लिए जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ वो जो खड़े मसाला ऐड किए हैं, और बस ये मसाले के साथ ही वो मटन करी बनाए थे, बहुत ही अच्छा बनता है। और गाइस ये ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग आप ज़रूर बताना। और अगर मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना। एंड टिल देन स्टे हैप्पी, गुड बाय।